सामने बैठा है ना, ये वो देता है, वो दे देता है जो तकदीर में नहीं लिखा। एक श्याम बाबा का प्रेमी था, उसके अपनी कोई औलाद नहीं थी, गोद लिया, जन्मता बच्चा गोद लिया, 25 साल बड़ा किया। शादी करने के लिए जब पंडितों को कुंडलियां दिखाई, पंडितों ने कह दिया सेठ जी शादी मत करना, इसकी जिंदगी नहीं है। सेठ के पास पैसा बहुत था, हिंदुस्तान के बड़े से बड़े पंडित को दिखाया, ज्योतिष को दिखाया, सबने कह दिया मत करना शादी। फूट फूट कर रोया, लेकिन बोला बाबा तू जाने और तेरा काम जाने। बाबा के नाम का कीर्तन किया, बाबा की जोत जगाई और कीर्तन के अंदर में लड़के की सगाई कर दी और शादी कर दी। शादी के 5 महीना बाद ज्योतिष विद्या ने अपना कमाल दिखाया, लड़के की पेट की बड़ी आंत फट गई। कलकत्ते के अंदर में 16-17 घंटे डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया और आईसीयू से, ऑपरेशन थिएटर से निकालकर बाहर लाया, पेट खुला छोड़ दिया। कहा सेठ अब ये बचने वाला नहीं है, पैसा है तो हॉस्पिटल में इसको जमा रखो वरना घर ले जाओ, कितने मिनट की जिंदगी है कोई नहीं कह सकता, दुनिया का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। उस बाप की आंखें छलक गई, कहा बाबा मैंने तो तेरा नाम लेकर काम किया था, कोई श्याम प्रेमी मिल गया उसे। उसने कहा सेठ जी परेशान क्यों होते हो, मेरे पास बाबा का एक वस्त्र है जो 365 दिन बाबा के गले से लिपटा रहता है। वैसे तो बाबा को रोज बागा चेंज होता है और जो बागा एक बार पहनता है दोबारा नहीं पहनता, लेकिन 365 दिन एक छोटा सा वस्त्र है बासंती कलर का जो बसंत पंचमी के दिन बदला जाता है, बाबा के गले से लिपटा रहता है। कहते हैं कि उस वस्त्र के अंदर में इतनी बड़ी ताकत होती है कि बांझ औरत की गोद में लाल खिला देता है, मरते हुए को जिंदगी दे देता है। यह वस्त्र आप अपने बच्चे के गंजी में बांध दो, सिलाई कर दो। उसका बाप रोने लगा, मेरे बच्चे के शरीर पे कपड़ा ही नहीं है, पूरा पेट खुला छोड़ दिया, सिलाई भी नहीं किया। उस श्याम प्रेमी ने कहा उसके तकिए के नीचे रख दो। तकिए के नीचे रखा, दूसरे दिन डॉक्टर आए, आंखों में चमक आई, सेठ जी अमेरिका की एक टीम आ रही है किसी दूसरे पेशेंट को देखने के लिए, इसी चीज के लिए, अगर आप कहो तो दिखा दें। सेठ ने कहा जितना पैसा लग जाए मेरा सब पैसा ले लो, मेरे बच्चे को ठीक कर दो। अमेरिका की टीम आई, बच्चे को अस्पताल में फिर ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, फिर 15-16 घंटा ऑपरेशन हुआ। और अंग्रेज डॉक्टर जब बाहर आया तो वो सेठ के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि अंदर ऑपरेशन थिएटर में मैं था जरूर, लेकिन अंदर मैं काम नहीं कर रहा था, आपके इंडियंस का कोई भगवान था जो अंदर ऑपरेशन कर रहा था। कलकत्ते आ जाना, अगर प्रूफ चाहिए 11 साल पहले की कहानी है, आज भी वो लड़का जिंदा है जिसको 12 साल पहले दुनिया के बड़े से बड़े ज्योतिष ने कह दिया कि इसकी जिंदगी नहीं है, आज भी जिंदा है और मौज से है, बाल बच्चे है उसके, श्याम का नाम ले रहे हैं, श्याम का कीर्तन कर। अब तेरे सिवा बाबा कहो कौन। ये तब तक नहीं आएगा जब तक आपको किसी और का सहारा विश्वास रहेगा, लेकिन जिस दिन बोल दोगे ना बाबा।